नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास नाइन्थ का सब्जेक्ट हिंदी होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 36 है और ये फर्स्ट ऑफ अक्टूबर 2021 के लिए है। तो प्यारे बच्चों, पिछली कार्ड पत्र में आपने कृष्ण भक्त रस खान सैयद इब्राहिम रचित कुछ सबैये पर चर्चा की थी। आज के कार्य पत्र के माध्यम से कृष्ण भक्त रस खान यानी सैयद इब्राहिम रचित सबैये पर चर्चा करेंगे। इसका सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। मोर पखा यानी मोर का पंखा होता है यानी पंख होता है। पीतंबर यानी पीला वस्त्र, जिसके पीला वस्त्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, विष्णु भगवान कहते हैं, जिसमें आग निकलती है, ठीक है। और काननी यानी कानों में, और शीघ्र यानी सभी। गुंज की माल यानी गुंज की माला, और लकुटी क्या होता है, झंडा या छड़ी। अटा अटालिका कोठा, टेरी क्या होता है, पुकारना। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब देखिए, इसको हम पढ़ते हैं और इसके बाद हम समझेंगे। मोरपखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गड़े पड़ी हरोंगी। ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी बन गोधन, ग्वारनी संग फिरोंगी। भाव तो बोही मेरी मेरो रसखानी, शौ तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरलीधर की आराधना, घर धरी अधरा न धरोंगी। काननी दे अंगूरी रही वो, जब ही मुरली धुनी बंद बधयो बछयो। मुहरी तानन सौ रस खानी, अटा चढ़ी गोधन दे गए हों। तो गहें टेरी कहो शिगरे ब्रज लोगनी, काही कोहू कितनो कितनो समूह जय हैं। माई रीबा मुख की मुस्कानी, शमहारी न जय है जय है न जय है। अर्थात प्यारे स्टूडेंट, रस खान ने इस पंक्ति के माध्यम से कृष्ण के प्रति जो गोपियों का अगाध प्रेम प्रदर्शित किया, जिसमें ज्यादा प्रेम कह सकते हैं। एक गोपी अपना सखी से कहता है कि कृष्ण मेरा प्रिय है और उसे प्राप्त करने के लिए तेरे कहने पर सारा स्वांग भर दूंगी। वह कहती है कि मोर का पंख अपने सिर पर रख लूंगी, गुंज की माला गले में पहन लूंगी, पीला वस्त्र बदन पर ओढ़कर हाथ में लकुटी लेकर गोधन को लेकर ग्वालों के साथ वन में फिरूंगी। जैसी सखी की इच्छा हो वह सब करेंगी। परंतु कृष्ण की मुरली को, जिसके उन्होंने अपने होठों पे लगाया था, वो अपने होठों पर नहीं रख सकती है। अर्थात ये कृष्ण भक्त जो कृष्ण के प्रति प्रेम में पागल हो चुका है, और कह सकते हैं प्यारे स्टूडेंट कि सखी की इच्छा सब जो है ना, वो कृष्ण को पाना है। गोपियां कहती है कि जब कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे तो वो उससे निकलने वाली मधुर ध्वनि को नहीं सुनेगी, तो वो सभी अपने कानों पर हाथ रखकर लेंगी। और उनका मानना है कि भले ही कृष्ण किसी महल पर चढ़कर अपनी मुरली की मधुर तान क्यों ना बजाए और गीत ही क्यों ना गाए, जहां तक वो उसी नहीं सुनेगी तब तक उन पर मधुर तानों का कोई असर नहीं होने वाला है। लेकिन गलती से भी मुरली की मधुर ध्वनि उनके कानों में चली गई तो फिर हम अपने बस में नहीं रह पाएंगे। फिर चाहे हमें कोई कितना ही समझाया, हम सब कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। गोपियों के अनुसार कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी लगती है कि उसे देखकर कोई भी उनके बस में आए बिना नहीं रह सकती। इसी कारणवश गोपियाँ कह रही है कि श्री कृष्ण का मोहक मुख देखकर उनसे खुद को बिल्कुल भी संभाल नहीं पा जाएगा, वो सारी लाज शर्म छोड़कर श्री कृष्ण की ओर खिंची चली जाएगी, ठीक है। इसमें डियर स्टूडेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, आशा है आपने इस सवैये के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं पर आधारित प्रश्न का उत्तर देते हैं। या मुरली मुरलीधर की आराधना, धरी अधरा न धरोंगी में कौन सा अलंकार है? तो प्यारे स्टूडेंट, इसमें अनुप्रास अलंकार है। कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। अब दूसरा है, निम्न में से वन शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द है? तो वन शब्द का डियर स्टूडेंट इसमें जो पर्यायवाची शब्द है वो है बिहग, ठीक है। क्या है? बिहग। अब गोपियां कृष्ण की कौन सी चीजें नहीं धारण करना चाहती है? तो गोपियां कृष्ण की बांसुरी नहीं धारण करना चाहती है। अब गोपियां कृष्ण की कौन सी चीज पर बिना न्योछावर हुए बिना नहीं रह पा रही थी है, और क्यों? और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है,
अधरान धरोंगी पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है, उसके बाद एक गतिविधि है। तो आइए इसके आंसर्स को हम देखते हैं। गोपिया श्री कृष्ण की कौन सी चीजों पर निछावर हुए बिना नहीं रह पाते? तो गोपिया श्री कृष्ण की मनमोहक मुस्कान पर निछावर हुए बिना नहीं रह पाते, क्योंकि श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी अच्छी है, प्यारी है, जिसे देखकर कोई भी बस में आए बिना नहीं रह सकता। क्वेश्चन नंबर आराधना धरा धरी अधरा नौ धरोंगी पंक्ति से क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब है, डियर स्टूडेंट, गोपिया श्री कृष्ण के लिए सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन वे श्री कृष्ण की मुरली को, जिसका उन्होंने अपने होठों से लगाया, अपने होठों पर नहीं रखना चाहती, अर्थात गोपिया श्री कृष्ण की मुरली को अपनी शौतन समझती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, जो सवैये छंद के संदर्भ में जानकारी हासिल कीजिए और उनके अर्थ लिखिए। ठीक है, तो सवैये एक वर्णिक छंद होता है, इसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं, और मानुष हो तो वही रसखान, बसे ब्रज गोकुल गांव के गवारन, जो पशु हो तो कहा बस मयोरो, चरो नितनंद की धेनु समझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरो कर छत्र पुरंदर कारण, जो घग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट बॉक्स में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।